नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ गीता देवी जी हैं जो 24 सालों से डेरा सच्चा सौदा संस्था को जानती हैं। इनके साथ सीधी बातचीत दिखाते हैं इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए। गीता देवी जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 24 सालों से आ रही हैं आप डेरा सच्चा सौदा संस्था में, कैसा माहौल लगता है आपको? डेरा सच्चा सौदा संस्था का माहौल कैसा लगता है? मैं तो बहुत अच्छा लगता है। कभी भी ऐसा लगा हो जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था? मीडिया में दिखाया जा रहा है वो सारा गलत है। हम इतने साल हो गए आते हुए, कभी हमने ऐसा सोचने की दूर की बात है, पर हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि मीडिया में दिखाया जा रहा वैसा हो। पर यहाँ कोई भी लड़की हो, छोटा चाहे यहाँ पे 100 साल से छोटे बच्चे से लेके 100 साल तक आए यहाँ पर, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं संत जी के ऊपर दूसरी तरफ, उनके बारे में क्या कहोगे? आरोप तो दीदी सब झूठे हैं। जो नहीं जानते ना, उनको बताए जा रहे हैं झूठे आरोप बना के अपने से। क्यों झूठे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर? उनको पैसे मिलते हैं और क्यों नहीं? किसी को पैसे मिलेंगे क्योंकि इनकम मिलेगी, तभी वो झूठे इल्जाम लगाएंगे। मुझे कोई इनकम देगा तो मैं कहेगा अभी मैं उनकी राय पर चलूंगी, तब मैं उनकी राय पर चलूंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे। आप जो अब बोल रहे हो, आप किसी के दबाव में, किसी के कहने पर या कोई पैसे के लालच में तो नहीं बोल रहे? नहीं, अपनी मर्जी से बोल अपनी रहे? मर्जी से अपनी मर्जी से ही बोल रही हूँ। और मैं तो मर्जी से ही कह रही हूँ कि यहाँ पर कोई आके तो देखे, भी संस्था के अंदर आके तो देखे, पता तो चले उन्हें भी यहाँ इतने झूठ बोल रहे हैं, भी इतने इल्ज़ाम लगाए हैं झूठे, इतने कह रही हैं भी, यहाँ एक बार आके तो देखे, पता चल जाए उनको। आपको असली सच क्या है? संत जी ने समाज के लिए, लोगों के लिए क्या काम किए हैं? भलाई काम बहुत किए हैं, लड़कियों को पढ़ने के लिए भी शिक्षित किया है, किन्नरों को भी आगे लेके आए हैं, साफ सफाई के बारे में भी बताया है, और आगे बच्चों को भी खेल कूद में और जाने के लिए भी बताया है, बहुत कुछ बताया। पर उनकी आज्ञा पर चले तो, उनकी शिक्षा पर चले तो, पर उनकी शिक्षा पर चलते नहीं ना, दोगलेपन बन जाते हैं। क्या जरूरत है उनकी समाज को? संत जी की जरूरत है समाज को? संत जी की तो बहुत जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि संत जी होंगे तो ही समाज सुधार होगा, वरना नहीं होगा, ये कलयुग है। क्या मांग करोगे सरकार से? हम तो यही कहते हैं कि हमारे संत जी, हमारे पिताजी यहाँ पे आ जाएं और समाज सेवा चले यहाँ पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संत जी की समाज में मांग है, लगातार अपील की जा रही है। आपकी क्या राय जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।